ये बताओ, आखिरी बार तुमने मास्टरबेट कब किया था? हाँ, आज सुबह ही किया अंकल, बस आपके आने से पहले। लड़के को फिंगरिंग करने की आदत तो नहीं है ना? शर्माओ मत दिया, बताओ। हाँ, दो दिन में एक बार हो जाता है। जब हमारी सुहागरात होगी ना, तब मुझे करना है थ्रीसम। मुझे तुम्हारी बहन के साथ बेड शेयर करना है। मरने के पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं पॉर्न स्टार बनूं। रिजाइन तो कर दिया, अब तुम क्या करोगी? धंधा करूंगी। हाय दोस्तों, ये शॉर्ट फिल्म कल शाम को 6 बजे रिलीज होने वाली है, और वो भी फेसबुक के ऑफिशियल पेज फ्रंटवुड चैनल पर। तो तैयार रहिएगा। अब ऐसी भी शॉर्ट फिल्म बनने लगी, धत तेरे की। अबे पॉर्न साइट बैन हो गई है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ये देख, तवा सॉलिड गरम है। लो कर लो बात, अब विमेन एसोसिएशन कहाँ है? भाई टाइटल क्या है? धंधे वाली। YouTube पर कोई सेंसरशिप नहीं है, इसीलिए तो ये सब चीज देखने मिल रही है। मैंने तुम्हें एक शॉर्ट फिल्म की टीजर लिंक भेज रही हूँ, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में पार्ट 2। देखना अब वो औरतों की आजादी और औरतों की नैतिकता पर प्रवचन देंगे। इसका डायरेक्टर कौन है? जो भी है एक नंबर का वासु है। ठोको। हाय, आप सब कैसे हैं? मैं दिया हूँ। मेरी शॉर्ट फिल्म का टीजर देखने के बाद मुझे यकीन है कि कई लोग डेस्परेटली डेस्पो की तरह मेरी शॉर्ट फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं आपके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन इसको थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। हाँ, तो क्या करूँ? हाँ, मैं इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज करूंगी कंप्लीटली न्यूड। हाँ? ए मैया, आइटम देख। न्यूड? व्हाट? और एक बात, मैं अपने कपड़े एक एक करके निकालूंगी, और जब एक भी कपड़ा नहीं बचेगा मैं इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज करूंगी। ये कर क्या रही है? में खोल रही है। अबे जल्दी देखना, नीचे बैठ देखना। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि मैं ये शॉर्ट फिल्म रिलीज कर रही हूँ, उसके पहले एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जो 5 साल पहले हुआ था। और ये इंसिडेंट एक रियल इंसिडेंट है, कई लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग भूल भी गए होंगे। जिन्हें नहीं पता है और जिन्हें याद नहीं, उन्हें मैं बता दूं कि आखिर 5 साल पहले हुआ क्या था। एक्सक्यूज मी, तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? मेरी हालत तो समझो, कहाँ जा रही हो? देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बस 2 मिनट की बात है, फिर तुम अपने रास्ते। शी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ए, मैं तेरा रेप कर रहा हूँ क्या? हाँ, अभी तक तो तेरे को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे कपड़े देख के तो कोई भी लड़का यड़ा हो जाएगा। सच में माल लग रही कमीने? है।
जाकर अपनी माँ से ये सब बोल। अच्छा, तुम जैसे लोग आखिर लड़कियों को समझते क्या है? हाँ, ये तू खुद को क्या ज्यादा बोली वाली समझती है क्या? ए, 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 क्या कर रही है? चाबी दे, मेरी चाबी वापस कर। ए, क्या कर रही है? देख यहाँ पर कोई नहीं है, तेरे को बचाने को कोई नहीं आएगा, समझ गए ना? जैसा मैं कहता हूँ वही कर। ए, क्या कर रही है? तूने मेरी फोटो क्यों खींची? ए, चाबी दे। जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़ित लड़की के फेसबुक स्टेटस पर ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस लड़की माया को तमिलनाडु के सीएम ने पर्सनली अपने घर बुलाया और उसकी इस बहादुरी की खूब तारीफ की। माँ का, बहन का, सन ऑफ अ बिच। मुझे खुशी है इस बात की। जब एक लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। वाओ। तो शुरू करते हैं। जल्दी इधर आओ। देख ये सब निकालेगी। वाओ, नाइस शॉट्स, थैंक्स। प्लीज जल्दी उतारो ना, बहुत जल्दी हो रही है। तो इसने लिखा है? हाँ यही है वो। कमीना कहीं का? इस इंसिडेंट ने उस लड़की की जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि मेरी जिंदगी भी पूरी तरह बदली है। बस एक मिनट मैडम। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसा लगा पिछले टायर में पंक्चर है, मुझे बस एक बार चेक करना था। अब सब ठीक है? ओके, ठीक है। ये लीजिए छुट्टे। हाँ? ठीक है, थैंक यू। ये कहाँ गई होगी यार? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या हुआ मैडम, घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, असल में मेरी रूममेट कहीं बाहर गई है। आप उसे कॉल क्यों नहीं करती? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। अगर बुरा ना मानो तो मेरे फोन से कर लीजिए। मुझे उसका नंबर नहीं याद है। तो आप अपने पड़ोसी के घर इंतजार क्यों नहीं कर लेती? वो मैं देख लूंगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। आप जाओ जाओ। देखिए मैडम, रात के एक बज चुके हैं और आप सड़क पे अकेली है तो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, थैंक यू। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जब तक आपकी रूममेट वापस नहीं आ जाती मैं आपके साथ यहीं खड़ा रहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी ना, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, प्लीज आप जाओ। देखिए मैडम, आपको अकेले बहुत डर लगेगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। जब आपकी फ्रेंड आएगी तो मैं कैब लेके यहाँ से चला जाऊंगा। Oof.
बैठ जाइए, मैं बाहर वेट करता हूं। आपकी फ्रेंड को आपका नंबर अच्छी तरह से याद करवा दीजिए। ओके थैंक्स। ओके चलता हूँ। आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने इस तरह से बिहेव किया। कोई बात नहीं मैडम, सॉरी तो हमें कहना चाहिए। कुछ लोगों ने माहौल ही ऐसा बना रखा है कि 10 बजे के बाद हर आदमी रेपिस्ट लगता है, इसलिए सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन रात के 1 बजे के बाद हमें भी अनजान इंसान से लिफ्ट लेने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हमें भी तो कुछ करना होगा ना। सही कहा, हमें ही कुछ करना होगा। बाय। मुझे वो बहुत पसंद आया क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन कई बार अक्सर जो हमें अच्छे लगते हैं वो दरिंदे भी हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं इंफोसिस कहां पर है? हाय, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ इंफोसिस में। ओह, ड्राइवर की नौकरी के लिए? एक्चुअली मैं 2016 पास आउट हूँ BEEC। रिसेशन के वक्त जॉब चली गई, इसलिए मैं पार्ट टाइम ड्राइवर बन गया। जब आप किसी ऐसे इंसान से बार बार मिलते हैं जो आपको पसंद हो, तो आप उसे या तो नफरत करने लगते हैं या उससे प्यार हो जाता है। और दिल ही दिल में मैं उसे चाहने लगी थी। मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने लगी, मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जब भी वो मेरे पास नहीं होता, मैं उसे बहुत मिस करती। वो था ही बहुत अच्छा। हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं, नेटवर्क का इशू लग रहा है। अच्छा तुम कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाली हो? ओके ओके, तो मैं कल 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ। अरे आधे घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हें तो पता है ना मुझे लेट सोने की आदत है तो। हेलो मैडम, आप कार में स्मोक नहीं कर सकती? What? कार में आप स्मोकिंग नहीं कर सकती? What the hell, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे आप सुन क्यों नहीं रही है, आप ऐसा नहीं कर सकती। हेलो मैडम, आप चलिए पहले बाहर आइए। आप कार से बाहर आइए। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मैंने आपसे कहा कि आप कार में स्मोक नहीं कर सकती, फिर भी आप किए जा रही है, आपको समझ में नहीं आता? मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगी। चल एक्स्ट्रा दे दूंगी? ये कार मेरी रोजी रोटी है, मैं आपके घर में घुसकर ड्रिंक करूंगा तो चलेगा क्या? आवाज नीचे कर बे, पता है मैं कौन हूँ? अरे आप कोई भी हो, आपको कार में स्मोक नहीं करना है, ये मेरी कार है, मैं यहाँ वेट करता हूँ, आप आराम से स्मोक कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं परेशान कर रहा हूँ? आप पागलों की तरह कुछ भी बोली जा रही है। ओ मैडम, मैडम ये क्या कर रही है आप? मेरी गाड़ी की चाबी क्यों ले रही है? मेरी चाबी वापस करो। मैडम मेरी चाबी वापस करो। हेलो, चाबी वापस करती हो कि नहीं? आप मेरी फोटो क्यों खींच रही है? चाबी कैसी औरत है? हेलो, क्या हुआ बताओ ना। अरे एक लड़की अजीब पेश आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, चाबी फेंक दी पागल ने। देव, तुमने मूवीज में लड़के को लड़की को प्रपोज करते देखा है ना? तो उनमें से कौन सी मूवी का प्रपोजल सीन अच्छा लगा? ये प्रवीण क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ बोलो। से गायब है। कल रात करीब 11 बजे उसने बीच से अपने घर के लिए एक कैब बुक की थी। उसका कहना है कि वो कैब ड्राइवर देव नशे में था। वो कार बेहद खराब चला रहा था और किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। आजकल हमारे शहर में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद आप सबके पोस्ट आने शुरू हो गए
उसे एक हफ्ते में बेल तो मिल गई और एक नई नौकरी भी मिलने वाली थी, लेकिन आप सब ने उसे बर्बाद कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? एक लड़की कुछ भी बोले जा रही है और सब सच मान लेते हैं। शादी कर लेते हैं। क्या कहा? शादी करने की बात कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, तो दिक्कत क्या है? इस हालात में तुम्हारे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, और आगे मेरे साथ क्या होगा इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उस रात 3 बजे तक अकेली थी, और देव तुमने इंतजार किया ताकि मुझे कुछ हो ना जाए, और तब तो मुझे जानते भी नहीं थे। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। हमने सोचा कि हमें दुनिया को सच दिखाना होगा। हमें केस लड़ते लड़ते अब 5 साल हो गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़की कोर्ट में एक भी हियरिंग में नहीं है। उसके पिताजी ने बताया वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रही है। इन 5 सालों में देव को इस इल्जाम के कारण 1 महीना भी कहीं कोई टिकने नहीं देता। जैसे उन्हें देव का पास पता चलता है, वो तुरंत उसे काम से निकाल देते हैं। हर जगह उसके साथ यही हुआ। तुम सबने सोशल मीडिया पर नानजी संपत, विजयकांत, रजनीकांत, जूली, ऐश्वर्या और शिवा कुमार को न जाने कितने अच्छे अच्छे पोस्ट लिखे होंगे, लेकिन तुम में से कोई उसे समझ ना सका। किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी, और अब वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा है। हाँ, देखो देखो, आ गया, आ गया। अरे ये वही ड्राइवर है। देव, मैं उसकी ऐसी हालत देख ना सकी, मेरा दिल रो उठता था। उसकी माँ ये बेइज्जती सह ना सकी और हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसी। और उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप सब हैं। एक अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। है कोई जवाब आपके पास? अगर कोई आपसे कहे कि आपकी माँ किसी और के साथ सोती है, तो क्या आप सब आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे? नहीं ना, तो फिर आप सब ने उस लड़की की बात को सच मानकर देव की पोस्ट को क्यों शेयर किया? क्योंकि आप सबको बिना सच जाने किसी की जिंदगी से क्या लेना देना? याद रखना, किसी दिन कोई आपकी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देगा जैसे देव की हुई। जो तुमसे नफरत करते हैं वो दुनिया को ये साबित कर देंगे कि तुम एक घटिया इंसान हो। और ये तुम्हारे भाई के साथ, बाप के साथ, इनफैक्ट तुम्हारे पति के साथ भी होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है। मैं उसे जानती हूँ। वो इंसान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लोग उस बेकसूर इंसान की पोस्ट क्यों शेयर करते हैं? प्लीज, आप कोई भी ऐसी पोस्ट शेयर मत कीजिए जिसके बारे में आप नहीं जानते। प्लीज, आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि हमने इस बात को पहले क्यों नहीं बताया। हमने बताया, पूरी कोशिश की। 8 बार मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया, और उतनी ही बार मैंने प्रेस को भी सब बताया। हम दोनों ने मिलकर 10 से ज्यादा बार वीडियोस भी अपलोड किए थे, लेकिन 40 लोगों से ज्यादा उसे कोई नहीं देखता। और अब हमने यशनील टीजर रिलीज किया। एक लड़की अगर कोई वीडियो रिलीज कर रही है, वो भी न्यूड, तो उसे देखने के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं।
ऊपर से तुम सब मुझे आइटम धंधे वाली और ना जाने क्या क्या कह रहे होगे, घटिया कमेंट्स करते हो और वो भी किसी फेक प्रोफाइल से। सालों फेक प्रोफाइल्स वालों अगर हिम्मत है तो अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल से और अपनी ओरिजिनल पिक के साथ कमेंट करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी। फट गई सबकी। और ये सब मेरे साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हुआ। हरियाणा में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया 2 लड़कियों के छेड़खानी के केस में। फिर जब उन 2 लड़कियों का लाइ डिटेक्टर टेस्ट होता है तब पता चलता है कि दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं और लड़कों को छोड़ा जाता है, वो भी 2 साल बाद। उन 3 लड़कों को आर्मी ज्वाइन करनी थी लेकिन उन 2 सालों में उन्होंने अपनी एज लिमिट क्रॉस कर दी और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और ऐसा ही दिल्ली के सर्वजीत सिंह के साथ भी हुआ। बिना कुछ जाने किसी के बारे में आप अफवाहें फैला रहे थे, छी। और उस म्यूजिशियन कले के साथ क्या हुआ? आप लोगों के कमेंट से उसने आत्महत्या कर ली। देखो कैसे कैसे कमेंट्स किए हैं, बिना सोचे समझे कमेंट्स करना। आप लोगों की वजह से हम अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पा रहे। हम चाहे कुछ भी कहें, तुम लोग अपनी घटिया कमेंट्स करना कभी नहीं छोड़ोगे। जो मेरे ऊपर गुजरी है मैं नहीं चाहता कि वही आपके ऊपर भी गुजरे, इसीलिए मैं ये करने जा रहा हूं। आज के बाद तुम सब ऐसा कुछ नहीं करोगे, बिना जाने कुछ शेयर नहीं करोगे। शेयर करने से पहले एक बार हमें याद कर लेना।